गाइस कैसे हैं आप। आज फिर हम एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं। गाड़ी हमारे पास है स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, जो टूर के नाम से टूर एस के नाम से आते हैं ना, वो कमर्शियल व्हीकल है। ये जैसे कमर्शियल व्हीकल ऐसा रहता है, इसमें गाड़ी का जैसे फिक्स स्पीड रहती है 80 की स्पीड, ये गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाएगी, 80 तक हमारी ये गाड़ी चलेगी। गाड़ी की हम ना आपको एक बार इसका रिव्यू कराते हैं। LXi मॉडल है, उसी के अंदर हमारी ये गाड़ी CNG फिटेड आती है। टूर के इसमें दो मॉडल आते हैं, एक LXi के अंदर हमारा आता है पेट्रोल का और एक पेट्रोल प्लस CNG, जिसका हम अभी इसके गाड़ी के पास में खड़े ना, ये वाली गाड़ी, इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। गाड़ी का ना फ्रंट में हम बात करते तो ऊपर हमारे को दो वाइपर वाशर मिल जाते हैं, हमारा बोनट का कुछ डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है, नीचे हमारा ना ये सुजुकी का लोगो, यहाँ पर ब्लैक की फिनिश मिल जाती है, और इधर हमारी जो लाइट है हमारे को सिंपल हाइलोजन लाइट विद टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाती है। नीचे हमारा टू का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर हमारे को फोग लैम्प की कटिंग मिल जाती है, यहाँ पर हम करवा सकते फिट बाहर से, ब्लैक की फिनिश रहेगी यहाँ पर भी। हमारा बम्पर है वाइट के अंदर रहेगा, और जो गाड़ी का ना इधर साइड की प्रोफाइल की हम बात करते तो हमारे को ना सिंपल व्हील मिल जाते हैं, फ्रंट के जो हमारे ब्रेक हैं वो डिस्क के अंदर रहेंगे, बैक के हमारे ड्रम के अंदर रहेंगे, और जो गाड़ी का टायर साइज़ है हमारा 14 इंची टायर मिल जाता है हमारे को। और यहाँ पर हमारे इधर ऊपर ना टर्न इंडिकेटर है, हमारे को ब्लैक कलर के ORBM मिल जाते हैं, जो अंदर से एडजस्टेबल हमारे मैनुअली एडजस्टेबल रहेंगे। बॉडी कलर के जैसे हमारे ना ये इधर ब्लैक, यहाँ पर भी ब्लैक की फिनिश मिल जाती है, और जो ब्लैक कलर के हमारे गाड़ी के जो हैंडल है ना वो मिल जाते हैं, चारों हैंडल ब्लैक कलर के रहेंगे। बैक के हमारे ब्रेक हैं वो ड्रम के अंदर रहेंगे, और बैक की जो प्रोफाइल है गाड़ी की वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये हमारा ये एंटीना मिल जाता है इधर ना, CNG का जो कमर्शियल व्हीकल वगैरह जो CNG फिटेड रहते हैं ना उस पर बाहर ही ये लोगो लगा रहता है CNG का। और यहाँ पर हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है, पीछे हमारा सुजुकी का लोगो, यहाँ पर हमारे को ना क्रोम की फिटिंग मिल जाती है, काफ़ी लंबी ये लेंथ है इसकी, और हमारी ये टेल लाइट मिल जाती है टर्न इंडिकेटर और बैक लाइटिंग के साथ। और इधर हमारे ना इसके अंदर पार्किंग सेंसर है, गाड़ी में दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। जो बॉडी कलर का हमारे को ना बम्पर मिल जाता है, ये बूट स्पेस ओपन करके दिखाते हैं एक बार। गाड़ी का हमारा बूट स्पेस है इसका 328 लीटर का, अभी जो CNG का सिलेंडर लगने के बाद इसका बूट स्पेस हमारा ना यही कोई 150 लीटर के समथिंग रह जाता है। यहाँ पर पीछे हमारा जो सिलेंडर की फिटिंग दी हुई है, यहाँ पर लिखा प्रॉपर CNG, और नीचे हमारा ना इसके अंदर जो टायर है स्टपनी है, यहाँ से हमारा देखिए जैक की फिटिंग है, यहाँ से हमारा स्टपनी का ये उठ जाएगा, नीचे हमारा स्टपनी है, जो स्पील वेयर मिल जाता है यार हल्का। देखिए जो हम CNG की गाड़ी अगर चलाते हैं उसमें बूट स्पेस तो हमारे को थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, यहाँ पर फिर भी एक दो बैग आराम से यहाँ तक आ जाएंगे हमारे। और पीछे बैक में ना एक लाइटिंग भी दे रखी है। फ्रंट में आपको एक बार लेके चलते हैं, जो हमारी ये गाड़ी है टूर है, ये गाड़ी यार हमारी 5 सीटर गाड़ी है, 1200 CC का गाड़ी का इंजन है, और दो एयर बैग है सेफ्टी के अकॉर्डिंग। और गाड़ी की हमारी की बात करते हैं तो हमारे को ना दो की मिल जाते हैं, यहाँ पर लॉक और अनलॉक का बटन रहता है। अंदर लेके चलते हैं आपको, ये हमारा ना ऊपर ORBM को यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं हम, अंदर से ही मैनुअली हमारे को एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर हमारे को ड्यूल टोन की फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर ना सिल्वर की फिनिश है ब्लैक, और यहाँ पर भी हमारे को क्रीम की फिनिश मिल जाती है। और ये हमारे पावर विंडो कंट्रोल दिए हुए हैं, नीचे बोतल स्पेस है, यहाँ पर भी कुछ स्पेस दिया हुआ है, ये स्पीकर की फिटिंग है। और जो गाड़ी हमारी सीट है ना, सीट की हम बात करते तो 4-way में एडजस्टेबल हमारे को सीट मिल जाती है आगे पीछे, और रिक्लाइन डिक्लाइन स्टेयरिंग है हमारा, टेल्ट स्टेयरिंग इसमें मिल जाता है गाड़ी का, जैसे टेलीस्कोप ही नहीं रहेगा। ऊपर हमारा एयर बैग है, यहाँ पे हमारा सुजुकी का लोगो, यहाँ से हमारा हॉर्न, ब्लैक के अंदर हमारा हैंडल रहेगा प्रॉपर, यहाँ से हमारा ये लाइट की कंट्रोल स्टिक है, ये वाइपर कंट्रोल स्टिक है, और इधर हमारा ना ये फ्यूल, जैसे हमारा गाड़ी CNG पे है या फ्यूल पे करनी है उसके लिए ऑप्शन है, ये अलार्म का ऑप्शन है, यहाँ से लाइट का कंट्रोल है फ्रंट लाइट जो है, यहाँ पर भी कुछ स्पेस मिल जाता है हमारे को। ये ऊपर AC के वेंट्स है, 4 AC के वेंट्स मिल जाते हैं इसमें। नीचे हमारे पैडल हैं, और फ्रंट का हम बोनट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और नीचे हमारे ना यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे बूट ओपन कर सकते हैं, और फ्यूल का टैंक यहीं से ओपन हो जाता है हमारा। जो गाड़ी का मीटर है ना वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं,
देखिए जो हमारा मीटर है ना, यहाँ पर इसका सीएनजी का अलग से मीटर है, और ऊपर वाला जो फ्यूल का ना पेट्रोल का, वो अलग से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर भी आएगा हमारा, देखिए पेट्रोल सीएनजी, गाड़ी हमारी पेट्रोल पे चल रही है, सीएनजी पे चल रही है, हम इसको ना इजीली रख सकते हैं। हमारे को पेट्रोल पे चलाने तो पेट्रोल पे चला सकते हैं, अगर सीएनजी पे चलानी है तो सीएनजी पे चला सकते हैं। स्टार्टिंग बस ही हमारी पेट्रोल पे रहेगी, ऑटोमेटिक सीएनजी पे आ जाएगी। यहाँ पर स्पीड का मीटर है हमारा, और इधर ये हमारा डिजिटल मीटर दिया हुआ है। यहाँ ये हमारे जो कंट्रोल है ना, यहाँ पे देखिए इसके किलोमीटर के शो करेंगे छोटा सा डिजिटल मीटर के अंदर। इसमें एवरेज वगैरह हमारी जो गाड़ी कितनी दे रही है, टोटल फ्यूल कितना बचा हुआ है, एवरेज क्या दे रही है गाड़ी, इसके अंदर टाइम वगैरह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। ठीक है, हमारा जो डैशबोर्ड है ना, जो हमारी स्विफ्ट टूर के नाम, टूर एस के नाम से ना ये गाड़ी, इसका काफ़ी देखिए अट्रैक्ट करता है यार ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर ना ड्यूल टोन की फिनिश दी हुई है, यहाँ पर भी कुछ स्पेस मिल जाता है फ़ोन के लिए, और एसी के चार वेंट्स हैं। यहाँ पर हमारा ना ये पार्किंग इंडिकेटर है। म्यूजिक सिस्टम जो हमारा ये मॉडल है, इसके अंदर हमारे को मिलता नहीं है, इसमें हमारे को बाहर से या कंपनी से ही फिट करवाना होता है। यहाँ से इसमें आराम से इसका ऑप्शन दिया, यहाँ से हम इसको करवा सकते फिट। ये हमारा ना एसी का, ये ठंडा और गर्म कर सकते इससे, फैन स्पीड, और ये हमारा एयर डायरेक्शन मोड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा फ्रेश एयर है और गाड़ी के अंदर की एयर है। एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहीं से हम, और नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग दिया हुआ हमारे को। यहाँ भी फ़ोन के लिए स्पेस है, कुछ यहाँ कप होल्डर का स्पेस है। गाड़ी का ना पूरा प्रॉपर देखिए क्रीम के अंदर फिनिश दिया हुआ, सीटें भी और साइड विंडो पर भी प्रॉपर क्रीम का यूज़ किया गया। और गाड़ी का हमारा ना देखिए फाइव गियर के अंदर ये गाड़ी है, एक रिवर्स गियर है, और हमारा हैंड ब्रेक है, ये सिंपल मैनुअल के अंदर हैंड ब्रेक रहेगा। दो हमारी सीट बेल्ट हैं, और देखिए सीट कवर का भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा मिल जाता हमारे को यहाँ पर। और इधर हमारे को एक ग्लू बॉक्स मिल जाता है, इसके अंदर हमारी सर्विस बुक है और फर्स्ट एड किट रहेगी। यहाँ पर ऊपर हमारे को एक वेंटी, और इधर हमारा फोल्डेबल हैंडल रहेगा। रियर व्यू मिरर मिल जाता है यहाँ पर, एक सन वाइजर। और गाड़ी का यार फ्रंट का आपको इसका लुक है, टूर एस है हमारी जो सीएनजी में है, कमर्शियल व्हीकल है, इसका लुक कैसा लगा आप हमारे को कमेंट कर देना, ये गाड़ी कैसी है। एक बार बैक में भी हम आपके लेके चलते हैं। बैक में ना हमारे को यहाँ पर चाइल्ड लॉक मिल जाता है, साइड में सभी गाड़ियों में रहता है चाइल्ड लॉक का ऑप्शन। क्रीम की फिनिश मिल जाती है, चारों डोर हैं जो। यहाँ पर हमारा मैनुअली इसको हम एडजस्ट कर दे मिरर को, हैंडल, नीचे बोतल स्पेस, कुछ साइड में भी स्पेस दिया हुआ है। अंदर एंट्री करते हैं एक बार। यहाँ पर हैंडल है ये फोल्डेबल, ये सही रहता है, कुछ गाड़ियों में रहता है उसमें फोल्डेबल नहीं रहता है, ये ऑफ रोडिंग वगैरह में हमारे सर से ना टकराए, जिसकी ज़्यादा हाइट है उसके लिए। और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, हेड स्पेस भी गाड़ी में काफ़ी अच्छा। और नीचे ना यहाँ पर देखिए फायर के लिए सेफ्टी को रखते हुए ना पर्पज में उसको यहाँ पे एक नीचे सिलेंडर दिया, जैसे गाड़ी सीएनजी में ना कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए या खुदा ना करे ऐसा, तो उसके ये सेफ्टी के लिए दिया हो भी, फायर के लिए गाड़ी में आग वगैरह लग जाती है तो उसके लिए। और जो गाड़ी का जो बैक का स्पेस है ना, वो भी काफ़ी अच्छा स्पेस हमारे को मिल जाता है। पीछे क्रीम कलर के हमारे जो सीट कवर हैं ये रहेंगे सिंपल एडजस्टेबल, हमारे सिंपल ये रहेंगे हेडरेस्ट में, एडजस्टेबल नहीं रहेंगे। पीछे हमारे देखिए स्पीकर की फिटिंग दी हुई है, जो हमारा ये है ना पार्सल ट्रे, इस पर काफ़ी सारे इसमें ये हमारी जो जो बैक लाइट है ना उसका ये डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर सेफ्टी वाइज भी सीट बेल्ट दी हुई है तीनों पैसेंजर के लिए। और जो यार इस गाड़ी का आपको कैसा लुक लगा, ये जो हमारी टूर है, आप एक बार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर लेना। गाड़ी हमारी जो टूर है, टूर एस के नाम से कमर्शियल व्हीकल है, इसका हमने जो रिव्यू किया है, इसका हम एक्सशोरूम प्राइस की बात करते तो हमारा 7,15,500 रुपये इसका एक्सशोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस की हम बात करते तो हमारा 8,42,500 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। आपको इस गाड़ी का टूर एस का रिव्यू कैसा लगा, अगर आपको इसका रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।